हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन द मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सेवन क्लास के मैथ्स में आज हम करने जा रहे हैं 8.3 की लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। ईच मतलब इसके दो पार्ट थे, मैंने सिर्फ एक पार्ट ही यहाँ पर नोट कराया, जो सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे आप ट्राई। कह रहे मुझे अमाउंट निकालना है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 साल के एंड में। प्रिंसिपल कितना है 12,000, यानी कि जो हम बैंक में या पैसा जो देते हैं स्टार्टिंग में वो का प्रिंसिपल होता है, और रेट कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर ईयर, यानी कि एक ईयर लिखे साल में कितना लगेगा 12% के हिसाब से लगेगा, और टाइम आपके पास है 3 ईयर। तो प्रिंसिपल को लिखेंगे हम पी से 1200 रुपीज़, इसका रेट है आर यानी कि 12% पर एनम, और टाइम है इसका 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 साल में, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी 1200, आर 12, टाइम 3 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 144, और 144 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 3 1 जा 3 3 और 1 4, ये आपका आ गया 432 रुपीज़, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना आपके पास 1200 प्लस में 432, इनको दोनों को ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 1632 रुपीज़, ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट। ये हो गया 9th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर। कह रहा है किस रेट पे जो 280 रुपीज़ इंटरेस्ट है, किस पे प्रिंसिपल यानी कि 56,000 पे इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में, टाइम 2 साल हो गया, प्रिंसिपल 56,000 है, इंटरेस्ट उसका 280 रुपये आ रहा है, और हमें क्या निकालना है इसमें, रेट निकालना है किस कितने परसेंट पे। तो इसमें प्रिंसिपल आपका हो गया 56,000 रुपीज़, आर हमें फाइंड करना है, टाइम आपके पास है 2 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 280 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे तो आ गया 280, पी हो गया 56,000, आर मुझे निकालना है, टाइम आपका 2 है अपॉन में 100, ये 20 कैंसिल, 280 इक्वल में इन दोनों कर लो मल्टीप्लाई, तो 200, 26 जा 12, कैरी 1, 25 जा 10 10 और 1 11, आर मुझे आर निकालना है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा इसके बाय में, 280 अपॉन में 1120, 0 से 0 कैंसिल, ये जा रहा है आपके पास 4 पे जा रहा है, 4 7 जा 28, फिर जाएगा ये किस पे, 4 4 2 जा 8, बच गए यहाँ से कितने 3 4 8 जा 32, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 1/4 आ गया। 1/4 को अगर हम पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 को 4 से, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कई बार, ये नहीं देखना कि मैं बड़े वाले को अंदर कर देंगे और 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, नीचे जब आ रहा है मतलब मुझे 1 को 4 से डिवाइड करना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब मतलब 4 जो नीचे आ रहा है उसको बाहर रखेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे। अब 4 के टाइम में 1 तो आता नहीं, पॉइंट लेंगे 0, 4 2 जा 8, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा आपके पास, यहाँ से रहेगा 2 4 5 जा 20, ये आपका आ जाएगा, यानी कि 0.25%, ये आपकी रेट लगेगी, जिससे क्या हो जाएगा इंटरेस्ट आगे 280 आएगा, किस पे 56,000 रुपये के 2 साल के लिए जब देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। कह रहा है जो मीना है वो इंटरेस्ट देती है, कितना इंटरेस्ट देती है 45 रुपीज़ का 1 साल के लिए, और 9% पर एनम की रेट से।
व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, कि उसने कितने पैसे बोरो होता है उधार लेना, कितने पैसे उसने उधार लिए हैं, यानी मुझे क्या निकालना है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है। आर उसका है 9% पर एनम, टाइम है उसका 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका ₹45, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इसका है 45, पी मुझे फाइंड करना है, आर उसका 9 है, टाइम उसका 1 है, बाय में 100, तो 45 इक्वल में ये हो जाएगा 9 इंटू पी इंटू 1, ये हो जाएगा 9 पी अपॉन 100, मुझे तो पी निकालना है, 100 जो इसके बाय में आ रहा है वो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 45 मल्टीप्लाई 100, और जो 9 मल्टीप्लाई में वो चलाएगा बाय में, 9 वन जा 9, 9 5 जा 45, पी आपका हो गया 500, तो आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपीज़ आंसर, ये उसने यानी कि उधार लिए थे। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसके साथ ही हमारा 8.3 कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके साथ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर साइड में लिखा हुआ है 9728885895 पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।